सो टाइम टू से बाय बाय टू दिस ब्यूटीफुल व्यू. हम लोग फिर मिलेंगे बहुत जल्दी भंडारा द्वारा. बाय बाय. तो यहीं से हम लोग ने शुरुआत की है नए व्लॉग की, जहाँ से हम लोग ने ख़त्म किया था हमारा पुराना व्लॉग. तो इसी के साथ हम लोग पूछते हैं, कैसे हो सब लोग? बढ़िया सब? ठीक गाइस. सो वेलकम बैक टू माय चैनल #lavishvlogs. होप यू ऑल डूइंग गुड. सो राइट नाउ अभी हम लोग का प्लान है, यहाँ से हम लोग जाएंगे भंडार दारा लेक कैंपिंग के लिए. और आज करेंगे हम लोग कैंपिंग गाइस, और बोट राफ्टिंग और बहुत कुछ गाइस आज हम लोग करने वाले हैं. सो स्टे ट्यून, और इस व्लॉग को भी डबल एंजॉय करना अपने साथ, अपने पब्लिक के साथ. बस गाइस एंजॉय योर लाइफ. सो बैक टू मोटो व्लॉग, और अब मोटो व्लॉग को एंजॉय करो. सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग. एंड राइट नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स कैंपिंग साइट, एंड इट विल टेक अराउंड 33 मिनट्स फ्रॉम रंधा वाटरफॉल. एंड उससे पहले हम लोग को चाहिए एक ATM, क्योंकि हम लोग को निकालना है कैश एंड कुछ शॉपिंग करनी है. तो उसके लिए कुछ अच्छी जगह मिल जाए तो हम लोग कुछ कपड़े वपड़े खरीद लें. बाकी सब बढ़िया है, इंजॉय करो राइड टूवर्ड्स भंडार दारा लेक साइड कैंपिंग की. तो नाउ मैं पिलियन हूँ और मेरी बाइक चला रहा है सुमित की बाइक चला रहा है मेरा भाई मोहित, और उसका पिलियन है विनीत. तो अब हम लोग ने बाइक एक्सचेंज कर दिए और हेलमेट इसलिए नहीं पहना है क्योंकि जस्ट अभी हम लोग पहुँच गए, इसलिए हेलमेट नहीं पहना है. बट अगर आप लोग राइड करते हो तो हेलमेट और प्रॉपर गियर के साथ पूरा बाइक राइड करना. बाकी सब बढ़िया, बस पहुँच रहे अभी भंडार दारा, और वहाँ पर होगी लेक साइड कैंपिंग. ऊपर ले गाड़ी को. सो आफ्टर अ वेरी गुड ऑफ रोडिंग करने के बाद हम पहुंच गए हमारे लोकेशन पे भंडार दारा लेक साइड कैंपिंग पे. सो अभी रोड ऑफ रोड वाली बाइकिंग खत्म होती है, अब यहाँ से चालू होगा हमारा यहाँ पे कैंपिंग. सो रिवील करते हैं हमारी कैंपिंग वाली जगह. आप लोग ने बहुत से लोगों ने देख लिया रहेगा जगह कौन सी है मेरे पिछले वाले व्लॉग्स में, बट पुरानी यादें वापस से ताज़ा करते हैं, बट अपने भाइयों के साथ. चलो लेट्स गो. तो अपने टेंट लग चुके हैं और टेंट के सामने का व्यू कुछ ऐसा दिख रहा है, और ये व्यू हमारे शंकर भाई वापस आ गए. तो अगर अभी भी आप लोग ने शंकर भाई को नहीं पहचाना तो ये मेरे भंडार दारा वाले व्लॉग्स जो था वो यही साइड था, और हम लोग वापस आ गए भंडार दारा व्लॉग्स के लिए. शंकर भाई का नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में अभी भी दिया है, तो जाओ जाके चेक करो और इस व्यू के मज़े लो. अभी तो बहुत कुछ चीज़ें बाकी है ब्रो, रुक जाओ, सब्र करो, पार्टी तो अभी शुरू होने वाली है. थैंक यू शंकर भाई. I
we had the right intentions, but somehow it came to an end. I was looking for a remedy. अब यहाँ का प्लानिंग ये है कि हम लोग करने वाले हैं कैंप फायर, कुछ खेल होंगे, बैडमिंटन टाइम कुछ होगा, पहले होगा चाय और कुछ नाश्ता, क्योंकि कैंपिंग की जगह है ना, और इतनी प्यारी व्यू के सामने बैठ के चाय पीने का मज़ा ही कुछ और होगा। एंड देन फिर रात में होगा बारबेक्यू और डिनर होगा, एंड देन अपने भाइयों के साथ कुछ डांस वांस मस्ती वस्ती होगी। सुबह का प्लानिंग बोटिंग होगा, सुबह का चाय नाश्ता होगा, एंड देन फिर हम लोग निकल जाएंगे मुंबई के लिए। बट इम्पॉर्टेंट क्या है इस व्यू के लिए जो हम लोग आए हैं, पीछे जो देख रहे हो, इससे प्यारा व्यू किधर मिलेगा? और भंडारदारा, तो आओ कभी भंडारदारा। से हमें दोस्त बन चुके, तो फर्स्ट टाइम हम लोग ब्लॉग में आए और इस जगह की ओनर है। सो इफ़ यू आर प्लानिंग टू विजिट भंडारदारा, डू विजिट। हमने इनका नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया है, काफ़ी अच्छे ऑफर्स है, और जब तक ये ब्लॉग लाइव हो जाएगा तो शायद होली निकल जाएगी, तो होली का भी प्रिपरेशन कुछ धमाकेदार हुआ है, उसके फ़ोटोज़ मैं आप लोगों को भेज दूंगा जैसे मुझे मिल जाएंगे। तो जैसे ही होली का प्रिपरेशन इन्होंने किया है ना, वैसे बहुत सारे फेस्टिवल के प्रिपरेशन इन लोग करते हैं, तो जैसे जैसे ऑफर्स आएंगे इंस्टाग्राम और जो भी व्हाट्सअप, अगर आप इनका नंबर ले लोगे मेरे डिस्क्रिप्शन में, तो वो सब अपडेट कर देंगे। सो डू फॉलो हिम एंड भंडारदारा में आओ और एंजॉय करो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। I get unstable, I push you back, I hold you close. फ्रॉम भंडारदारा, एंड अभी अभी मॉर्निंग का सीन्स फ्रॉम भंडारदारा कुछ ऐसा है कि यहाँ पे फायरवर्क हो रहे हैं और यहाँ पे हमारा टाइम लैप्स लगा हुआ है और हम लोग इंजॉय कर रहे हैं हमारा भंडारदारा का सुबह का सीन, कुछ ऐसा होगा। और पीछे का बैकग्राउंड ऐसा देख लीजिए, रात का ठंडी तो मैं बता नहीं सकता, मतलब इट गोज अराउंड 14 डिग्री, मतलब इससे ख़तरनाक ठंडी मैंने आज तक नहीं झेली होगी। पिछली बार जब आया था तब उतनी ठंडी नहीं थी जितनी ठंडी मुझे इस बार लगी है, और बट कैंप में रहने का मज़ा कुछ अलग ही होता है। ये हमारे शंकर भाव है, रात से हम लोग को ठंडी से बचा रहे। शंकर भाव, आप लोग इतनी ठंडी तो होगी नहीं, इतनी ठंडी आगे से गई वो इतनी नॉर्मल तरह थी। अब मैंने कल शंकर भाव को पूछा कि ठंडी है कि नहीं है, शंकर भाव ने बोला कि नहीं ठंडी इतनी नहीं होगी, बस नॉर्मल है। और रात को मेरे भाई लोग पीछे कैंप में सुकुड़ गए पूरे, मेरा भाई पूरा सुकुड़ गया था ठंडी के मारे। आप लोगों को ठंडी नहीं लगती थी, बट आपको पता है मुंबई में अगर 18 डिग्री ठंडी हो जाए ना, मतलब उन लोगों के लिए कश्मीर है वो।
हम लोग को इतनी ठंडी की यूजुअली आदत नहीं थी, मुंबई में इतनी ठंडी होती नहीं है। बट हाँ, अगर आप लोग को एंजॉय करना है इस चीज़ को तो भंडारदरा आओ। शंकर जी है ना, पूरी तरह से आप लोग की मदद करेंगे, खाने से लेके टेंट तक, टेंट से लेके चाय तक, सब तक। और यहाँ पे देखो, ठंडी से बचने का एक ही जरिया है जो शंकर जी हम लोग के लिए करते हैं। थैंक यू शंकर जी। यहाँ पे जब भी मैं आता हूँ ना कोई दोस्त मिल ही जाता है। तो अब ये निकल रहे हैं वापस से कसारा के लिए, अपनी पब्लिक को लेके आए थे जो इनका काम है, अब वापस से बैक टू ड्यूटी। तो वापस से मिलेंगे, और इनका होली का फेस्टिवल है। जैसे मैंने बोला था कि व्लॉग आने तक होली ख़त्म हो जाएगी, बट बहुत सारे एक्टिविटीज़ यहाँ पे होती रहती है। तो मेरे इंस्टाग्राम के स्टेटस पे मैं बहुत कुछ चीज़ डालूंगा, तो अगर आप लोग को यहाँ पे आके वो सब एक्टिविटीज़ में पार्ट लेना है तो नंबर भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया संदीप भाई का, जाओ कॉन्टैक्ट करो, और जितनी भी एक्टिविटीज़ है वो हम अपडेट करेंगे और आप यहाँ पे आके इंजॉय करो। चलो संदीप भाई, बाय बाय। बाय बाय। टाइम टू से अगेन दिस ब्यूटीफुल प्लेस, बाय बाय। हम लोग वापस से आएंगे बहुत जल्दी, एंड राइट नाउ वी आर लीविंग टूवर्ड्स मुंबई। एंड शंकर बाबू चलो, बाय बाय। शंकर बाबू का नंबर दे दिया, आना है तो भंडारदारा इनको फ़ोन करके आ जाओ, पूरा का पूरा डिटेल्स ये अपने फ़ोन पे दे देंगे, एंड आएंगे अपन वापस। हाँ, और वापस धमाल करेंगे, एक और बार देख लो इस जगह को दोस्त लोग। मज़ा आ गया ना भंडारदारा, एक नंबर। सही, बहुत सही जगह थी गाइस। आओ अपने दोस्तों और भाइयों के साथ और इन्जॉय करो इस जगह पे। अभी डायरेक्टली मिलते हैं मुंबई पे, बाय बाय। सो फाइनली आफ्टर कम्प्लीटिंग 6 hours ऑफ बाइक राइड हम लोग फाइनली पहुँच गए अपने घर पे, और ये वीकेंड काफ़ी धमाकेदार था। वी हैव डन ऑफ रोडिंग, लेक साइड कैंपिंग, और वाटरफॉल भी उन्होंने देख लिया। सो दिस इज़ अ वेरी गुड वीकेंड। सो इफ़ यू लाइक दिस व्लॉग, लाइक करके जाओ। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो कमेंट करके जाओ कि आप लोग को इस व्लॉग से क्या क्या अच्छा लगा। एंड अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो डू सब्सक्राइब माई चैनल #loveisvlogs। सो दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग। Thank you for being a part of my vlog. I will see you soon in my next video. Till then, live your life, live your dreams, take care, bye bye. We will see you soon in my next video. Bye bye.